जावा एडिशन में मोड्स की प्रॉब्लम सभी बंदों को आती है। लाइक मेरे को भी मोड्स की प्रॉब्लम आई थी जब मैंने बहुत सारे मोड्स जावा में यूज किए थे। जब मैंने अपने मोड्स के फोल्डर को खोल के देखा तब देखा मैंने मैंने देखा कि मेरे मोड्स के फोल्डर में तो काफी सारे मोड इंस्टॉल भी नहीं हुए। लाइक मेरा इन्वेंट्री HDUI भी हुआ नहीं था, हार्ड कैम भी कभी कभार नहीं हुआ था, कभी ग्लिच कर रहा था कभी हो नहीं रहा था। फिर मैंने इंस्टॉल किया था फोर्ज, फिर फोर्ज में देखा कि बहुत सारे मोड करप्ट हो गए हैं, सिर्फ 2-3 मोड ही मेरे वर्क कर रहे हैं, बाकी सारे मोड करप्ट हो चुके हैं। और मैंने जब यूट्यूब पे सोल्यूशन मांगा तो उसमें मेरे को बहुत सारी वीडियो देखी पर उनपे इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोड के फोल्डर को या मोड को जावा में फिक्स कर सकते हो, वो भी सिर्फ सिंपल स्टेप फॉलो करके। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करना बिना स्किप किए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग माइनक्राफ्ट की वीडियो। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। तो जी हाँ, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को पूरा स्किप करके सिर्फ वो पार्ट देखेंगे जो मोड का होगा और सारा पार्ट स्किप कर देंगे। तो उनके लिए बता दूं कि ऐसा मैंने भी ट्राई किया था पर मेरा ग्लिच हो गया था। अबे ये सब कुछ कैसे हो गया भाई, मेरे सारे मोड फेल कैसे हो गए भाई, शिट यार, दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो मोड को यूज करने से पहले एक बात याद रखना कि आपको अपनी सेटिंग पॉसिबल टू पॉसिबल लो रखनी है, क्योंकि आपके ये मोड लैग होगा। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपका जरूरी है कि ये मोड लैग होगा रिकॉर्डिंग करते समय। विदाउट रिकॉर्डिंग तो लैग नहीं होगा पर रिकॉर्डिंग करते समय लैग होगा, इसलिए आपको अपनी सेटिंग एकदम लो पे रख देनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारा मोड का नाम निकल के आता है, उसका नाम है एप्पल स्किन। एप्पल MC बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका फूड आपको कितना सैचुरेशन देगा, मतलब आपका फूड आपको कितनी हंगर बार प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये मेरा फूड है, कितनी हंगर बार मेरे को प्रोवाइड करेगा और कितनी हेल्थ मेरे को प्रोवाइड करेगा ये एक शो कर देता है। तो सेकंड मोड हमारा निकल के आता है, उसका नाम है बैटर ड्रॉप आइटम। बेसिकली हमारी ये ड्रॉप एनिमेशन को एकदम 3D बना देता है। जैसे कि मैंने देखो टोटम ड्रॉप कर दिया, ये वुड की प्लैंक ड्रॉप करी, देखो एकदम 3D में ड्रॉप हो रहे हैं भाई। ऐसे फिजिक्स भाई माइनक्राफ्ट में देखने को कभी नहीं मिलते। और इस ज़ॉम्बी को मार के ये तेरी भैंस की, रुक जा, ये ले। ओके, तो हमारे थर्ड मोड का नाम है बूस्ट ब्राइटनेस। बेसिकली ये क्या करता है कि रात को भी सुबह बना देता है। जैसा आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो कि रात को भी इसने सुबह बना दिया है, और मैं आपको केव में चल को भी दिखा देता हूँ। बेसिकली आप देख ही सकते हो कि पूरी केव एकदम चमक रही है, और यहाँ से जाके भी आप अपने ब्राइटनेस को एकदम फुल मैक्सिमम कर सकते हो, 1200 तक, वैसे मैं 600 तक कह देता हूँ। और भाई एकदम देख रहे हो कि केव में इतना अंधेरा होता है, अभी देखो भाई पूरी रोशनी हो रखी है। और हमारा नेक्स्ट मोड निकल के आता है, उसका नाम है इन्वेंट्री HDUI। बेसिकली ये हमारी इन्वेंट्री को एकदम OP बना देता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, जैसे मैंने एक बटन आई पर क्लिक किया, देखो क्या हो गया, और मेरी इन्वेंट्री में भी देखो क्या आ गया, सारा सामान मेरी इन्वेंट्री में ये शो कर दे रहा है कितना सामान मेरी इन्वेंट्री में है। मैं वो दबाता हूँ तो मेरे को सारी सेटिंग इस मोड की दिख जाती है, और देख लो भाई मेरे पास बैकपैक दिख रहा है, पोशन वाला इफेक्ट भी दिख रहा है। और मैं इसको एकदम कस्टम भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने पोशन यहाँ पे रख दिया, इन्वेंट्री को यहाँ पे रख दिया, आर्मर को थोड़ा इधर रख देता हूँ, यानी बीच में रहने देता हूँ काफ़ी है, और यहाँ से बैक करके बैक कर दिया। जैसा आप देख रहे हो भाई पूरा सब कुछ सेटिंग आ गई, मेरे आर्मर में कितनी HP है, मेरे पास कौन सा सामान है इन्वेंट्री का, वो सारा देखो शो कर दे रहा है ये, और मेरा आर्मर कितना डैमेज हो रखा है कि नहीं। और मेरा बैकपैक देखो फुल है ना, तो अभी 0 दिखा रहा है। अगर मैं कोई आइटम ड्रॉप करूंगा ना, देखो 1% आ गया, देखो मतलब मेरे पास 1% की जगह है अपने बैकपैक में। ओके, जो हमारा नेक्स्ट मोड निकल के आता है, उसका नाम है हार्ड कैम। बेसिकली ये करता है कि जब भी आपको डैमेज पड़ेगा फायर से या किसी भी चीज़ से, तो आपकी स्क्रीन शेक नहीं होगी। जैसे देख रहे हो आप, मैंने इसको ऑन कर दिया और मेरी स्क्रीन बिल्कुल शेक नहीं हो रही, और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, देखो मेरी स्किन एकदम शेक हो रही है, ऑन करने पे नहीं होती है। तो बेसिकली ये आपको PvP में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप किसी से फाइट कर रहे होगे। तो नेक्स्ट मोड हमारा निकल के आता है, उसका नाम है डार्क लोड स्किन। बेसिकली ये करता है कि आपकी स्किन थोड़ा डार्क कर देता है, जिससे आपकी गेम क्रैश ना हो बिल्कुल भी। और उसके बाद हमारा मोड निकल के आता है, उसका नाम है FPS डिस्प्ले। FPS डिस्प्ले ये करता है कि आपके FPS को ऊपर शो कर देगा, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो ऐसे शो करने लग जाएगा। और नेक्स्ट मोड निकल के आता है, उसका नाम है हमारा मेमोरी लीक फिक्स। ये करता है कि आपकी मेमोरी को कम से कम यूज़ करेगा, जिससे आपका गेम लैग ना हो। और नॉट इनफ क्रैश ये होगा कि आपके ये गेम क्रैश होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और स्मूथ बूस्ट से क्या होगा कि आपके गेम को एकदम स्मूथ कर देगा। ओके, तो हमारा लास्ट मोड निकल के आता है, उसका नाम है प्लेयर हेल्थ इंडिकेटर। बेसिकली आपको उसका नाम से पता चल गया होगा कि ये प्लेयर की हेल्थ शो करता है। ये मोड आपको PvP में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और मैं आपको कुछ वीडियो शो कर देता हूँ। ओके, अब मोड को लगाना भी बहुत ज्यादा इजी है। सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में फाइल दी गई होगी, उसे डाउनलोड कर लेना है आपको। चार चीवर अपना ओपन कर लेना, वहाँ पर डाउनलोड में जाके मेरी फाइल को ढूंढ लेना है। अब मेरी फाइल मिलने के बाद व्यू पे क्लिक करके, मोड्स पे क्लिक करके, इन सब मोड्स को कॉपी कर लेना है, और
एंड्रॉइड में जाके वहाँ पे डेटा में जाके उसके पुजाव लॉन्चर ढूंढ लेना है। पुजाव लॉन्चर में क्लिक करने के बाद, फाइल में क्लिक करने के बाद, माइनक्राफ्ट के फोल्डर डॉट माइनक्राफ्ट में क्लिक करने के बाद, फिर वहाँ पे मोड के फोल्डर में जाके इन सब फाइल को पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है तो आप पेस्ट कर लीजिएगा। फैब्रिक को इंस्टॉल करने से पहले आपको 1.18.2 का वर्जन इंस्टॉल कर लेना है, और फैब्रिक क्योंकि ये सारे मोड्स 1.18.2 के हैं इसलिए आपको पहले वो इंस्टॉल कर लेना है। और फैब्रिक इंस्टॉल करना ही बहुत ज़्यादा ईजी, आपको एक्स्ट्रक्चर पर क्लिक कर देना है, अपना फैब्रिक की फाइल ढूंढनी है और उस पर क्लिक कर देना है। फैब्रिक की फाइल आपको बेसिकली मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी और इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको फोर्स क्लोज कर देना है, फिर आपको यहाँ पे वर्जन अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो वर्जन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और लोडर वर्जन को आपको रखना है 0.14.4 पे, क्योंकि ये सारे 0.14.4 के ही मोड्स हैं। अगर आप लोडर वर्जन को नया रख देते हो तो आपके मोड्स वर्क नहीं करेंगे। जब आपका फैब्रिक इंस्टॉल हो जाए सिंपली आपको यहाँ से फोर्स क्लोज करके अपनी माइनक्राफ्ट गेम ओपन कर लेनी है। अब आपकी माइनक्राफ्ट में बहुत सारे मोड लग चुके हैं, तो अब आपकी माइनक्राफ्ट पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होगी और आपके पीवीपी स्किल पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो चुके होंगे। तो आपको ये मोड वाली वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना, और ये भी बताना कि अगली बार आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए होगी पुजावा में। तो मैं मिलता हूँ कोई और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।